भाई मेरी बात सुने यार। सुहेब, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो जो मुझे अपना नफा नुकसान नहीं पता? प्लीज मेरी बात सुने। इस वक्त तो आप बेवकूफों वाली बात करें जो मौके से फायदा उठाने के बजाय खुद अपना नुकसान उठाने जा रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हो? देखिए, इस वक्त मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ऑलरेडी हम झगड़ा करके इतना सारा वक्त बर्बाद कर चुके हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज तहम्मुल से मेरी बात सुने। बोलो। देखिए, आप तो ये जानते हैं ना कि अनकरीब हमारा बिजनेस डिफॉल्ट होने वाला है। हाँ तो? लेकिन कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में जाने वाले हैं। व्हाट? मजाक कर रहे हो ना? इतनी बड़ी बात मजाक में कोई कैसे कर सकता है सर भाई? देखिए, हमें बिजनेस में इकट्ठे पैर जमाने का मौका मिला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखिए, डिटेल्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत है ना, तो खुद कल ऑफिस आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लें। ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है ना असद भाई, ये सब डैड की वजह से हुआ है। ओनली बिकॉज कि हमें बैंक से लोन ना लेना पड़े। आप मुझे खुद बताएं कि जब फल लगने ही वाला है तो हम किसी और को मालिक क्यों बने थे? नहीं सर। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि आपको डैड से अपने टर्म्स ठीक करने होंगे ताकि सारी चीजें दोबारा पहले की तरह हमारे पास वापस आ जाए। सर, मैंने तुमसे कहा ना, ये मुझसे नहीं। क्यों नहीं हो सकता असद भाई? ये वक्त आना दिखाने का नहीं है। प्लीज अपनी ईगो को साइड पर करें, हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। देखिए, आप जाएं डैड से एक्सक्यूज करें ताकि आप उनका एतमाद जीत सकें। असद भाई प्लीज, वी हैव टू डू दिस। न मैं तेरा।